माँ जी पहले रोना बंद करिए। अब मैं आ गया हूं ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। आपके बंदियों ने मरवा दिया देव को, कुछ जिंदा खो से उगाया, बोलिए कुछ। अपने आदमियों से तो हम बाद में निपट लेंगे, लेकिन इस समय तुमको राजपुरोहित की गद्दी पर बैठा कर ही रहेंगे। बस हमको यही चाहिए। मैंने पूर्व में ही कहा था दामाद बाबू कि सत्य की सदैव विजय ही होती। आपने बिल्कुल ठीक कहा था बाबूजी। सच्चा व्यक्ति परेशान जरूर हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। अब मुस्कुराने का वक्त आ चुका है। हाँ भैया, कैसे हो भैया? अच्छा हूं, देर से सही, लेकिन तू घर तो आ गया। देखना अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ भैया, मैं सब कुछ ठीक करने ही तो आया हूं। चुप चुप जी होते बाबू, चुप चुप जी। आपके आ जाने से अब मेरे मन को बहुत शांति मिली है, बहुत शांति। मुझे माफ कर दो राधिका, मेरी वजह से तुम्हें, आप सब लोग को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी है, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूं, अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अरे ये कान में टंकी लगाओ, ये कोई बाबू रुपया है? देव बाबू को मरे हुए थे, 5 साल बीत चुके हैं। आप आज भी नहीं बदले चाचा जी, आज भी गुस्सा बिल्कुल आपकी नाक पे ही रहता है। कैसे हो अर्जुन? सब अर्जुन। अच्छा, आप भी नहीं बदली? बहन जी, अब तो मेरा देव, आपका राजपुरोहित आ गया है ना, अब इस विधि की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है चाची माँ? आप समझने की कोशिश करिए,
हमको बेवकूफ बनाने के लिए ये लोग किसी बहुरूपिया को लेकर के आ गए हैं। माता राम जी, आप जो राजपुरोहित समारोह में तोहफा भिजवाने को कह रहे, हम वो सभी टोकरिया में सजवाई के रख दिए हैं। बहुत बढ़िया तैयारी किए हो हनुमान, शाबाश। माता राम जी, हम ये सब अभी बाबू की गाड़ी में रखवाए देते हैं। दामाद बाबू है कहाँ? सुबह से एक भी बार दिखाई ना दिए वो हमका। दिल्ली का निकले का समय हो गया है, उनका समझना चाहिए, उनका समारोह में पहुँचना कितना जरूरी है। उनका निकलने से पहले हमका उसे कुछ समारोह के बारे में जरूरी बात भी करेगा था। बहुत ही जरूरी काम आ गया होगा दामाद बाबू को, नहीं तो वो तो वक्त के बहुत ही पाबंद है। सुनो, ये सब सामान अबे बाबू की गाड़ी में रखवा दो। ससुर अब फोन भी नहीं लग रहा है, फोन ना ही लग रहा। हनुमान, जा जाके पता करवाए का कोशिश कर कि वक्त तो कहाँ है। जी माता राम जी। कनिका, तैयार हो के कहाँ जा रही हो? कनिका माई, वो ब्यूटी पार्लर जा रही। दामाद बाबू कहाँ हैं? आप पता नहीं माई, सुबह से दिखे नहीं, हो सकता है किसी जरूरी काम से बाहर गए होंगे। हम उनका ये भगत तक यहाँ आए का वास्ते कहे थे, गराज परोहित का सम्मेलन में हिस्सा लेने का वास्ते दिल्ली जाए का है। फोन उनका लग ना ही रहा और वो फोन करना ही रहे। पता नहीं आजकल ये अभय बाबू को कहा हो गया है। अब बताइए, इतना गैर जिम्मेदारी, इतना जरूरी वक्त में पता नहीं कहां निकल गए। आप उनका भरोसे हमको भी दिल्ली नहीं जाने दिए उस समारोह में। अगर ये जिम्मेदारी आप उनका बदले हमको दिए होते ना, तो अब तक तो दिल्ली जाके सब काम निपटा के लौट आए होते हैं। लगे का पहले कैच पकड़े का वास्ते काहे को खड़ा हो जाते हो लल्ला? दामाद बाबू का विकेट उखाड़े का बजाय अपना विकेट बचाने का चिंता कर। जो काम तोरे बस का है ही नहीं, उका करे का वास्ते काहे फड़फड़ात हो हमेशा लल्ला? देव के पिताजी ने पद त्याग किया था, तब उन्होंने भी देव के कानों में गुरु मंत्र फूंका था। यदि वास्तव में ये देव हैं, तो इन्हें वो मंत्र याद होगा। यदि ये सबके सामने उस मंत्र का सही उच्चारण कर देते हैं, तो संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहती। बोलो देव, वो कौन सा मंत्र था? क्या है, हो गए भूल गए का? अरे भूलोगे तो तब जब याद होगा ना। अरे बहुरूपे को ये मंत्र कहां से याद होगा? वो मंत्र तो देव बाबू को याद था, और वो मंत्र देव बाबू अपने साथ ले गए बंसी भजैया के पास। ब्रह्मम् सर्वस्व च जगतः कारणं परम। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।